नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद बिहार की राजनीति काफी ज्यादा गर्माई हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी के घर यानी कि उनके पिता की जहां हत्या की गई है, उनके पैतृक गाँव जो है वो तमाम बिहार के राजनेता जा रहे हैं। कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी पहुंचे थे और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज तेजस्वी यादव जीतन सहनी को श्रद्धांजलि कर देने जो है वो जाने वाले हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस अभी भी इस मामले को लेकर लगातार तफ्तीश कर रही है और कुछ भी अपडेट जो सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अभी अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि आज तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के घर जाने वाले हैं, उनके पिता जीतन सहनी को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की श्रद्धांजलि सभा में आज तेजस्वी यादव जो है वो उनके घर जाने वाले हैं। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित बिहार सरकार के कई मंत्री उनके पैतृक आवास पर पहुंचे थे। दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री के साथ उद्योग और पर्यटन मंत्री नरेश मिश्रा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा समेत कई नेता पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज पहुंचने वाले हैं। आरजेडी नेता भी शुक्रवार को ही जाने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। विगत लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने महागठबंधन के साथ और बीजेपी के विरोध लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान ही तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी काफी करीब आए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुकेश सहनी को पत्र भेजकर संवेदना भी व्यक्त की थी। मुकेश सहनी के घर पहुंचकर सभी नेताओं ने उनके पिता के चित्र पर माल्यार्पण किया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। नेताओं का हेलीकॉप्टर जो है वो 3 बजे खोड़ागाछी मैदान पर लैंड किया। कड़ी सुरक्षा के बीच सुपौल बाजार स्थित अफजल गांव में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की आवास पर पहुंचे। करीब 14 मिनट तक वहां पर रुके और उसके दौरान जो है वो उनसे बातचीत किए। साथ ही साथ भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह और पप्पू सिंह, रामविलास भारती, राजा कुमार अग्रवाल, बाबू महथा और प्रदीप प्रधान भी मौजूद थे। इधर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज शनिवार को यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। शुक्रवार को उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया। शनिवार को दोपहर 3 बजे बिरौल आएंगे। यहां जानकारी देते हुए SDM उमेश कुमार भारती ने कहा है कि तेजस्वी यादव 12:15 पर सड़क मार्ग से बिरौल के लिए रवाना होंगे। 3:30 पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे और उनके साथ राजद के कई नेता और कार्यकर्ता भी होंगे। उनके आने की प्रशासनिक तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। बता दें कि तेजस्वी यादव शुक्रवार को ही बिरौल आने वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उनका जो है वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। तो एक तरफ जहां मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के श्रद्धांजलि में तेजस्वी यादव आज पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुकेश सहनी को जो है वो पत्र लिखा था और इस शोक के मौके पर उन्हें सांत्वना दिया था। और तेजस्वी यादव शनिवार के दिन मुकेश सहनी के पैतृक गांव जाने वाले हैं। शुक्रवार यानी कल ही वो जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण बस जो है वो अपने कार्यक्रम को रद्द किए थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।